डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इमरान हाशमी की मच अवेटेड शॉर्ट टाइम वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है और इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर करण जौहर है और हमें एक करण जौहर की बायोपिक एक तरीके से शॉर्ट टाइम वेब सीरीज के अंदर दिखाई गई है। जहां पर उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, वैसा एक प्रोडक्शन हाउस हमें इस वेब सीरीज के अंदर भी दिखाया जाता है और साथ में यह दिखाया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है। करण जौहर की पूरी लाइफ तो इस फिल्म के अंदर नहीं दिखाया जाता, पर थोड़ी बहुत झलक हमें देखने को मिलती है और हमें उस स्टार पर भी देखने को मिलती है जो आज सुपरस्टार है। सब कुछ हमें शॉर्ट टाइम वेब सीरीज के अंदर दिखाया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि शॉर्ट टाइम वेब सीरीज कैसा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म वेब सीरीज की कहानी की बात बॉलीवुड की इंडस्ट्री के अराउंड घूमती है, जहां पर हमें इस सीरीज के अंदर ये दिखाया जाता है कि कैसे एक प्रोडक्शन कंपनी और उसका मालिक उस प्रोडक्शन कंपनी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाता है, पर जो उसके बेटे के हाथ में प्रोडक्शन कंपनी आती है तो वह उसे सही से नहीं चला पाता। लोग उसे नेपोटियम के नाम से बुलाते हैं। इसी के साथ में उसका पंगा एक फिल्म क्रिटिक्स के साथ भी चलने वाला है जो उसकी फिल्म को घटिया बोलती है। और साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे बॉलीवुड के अंदर अब केवल नंबर्स का गेम चलता है। इसी के साथ हमें यह भी बताया जाता है कि कैसे अब बॉलीवुड को साउथ ओवरटेक कर रहा है और कर चुका है। और एक डायलॉग तो ऐसा भी है कि जब तक कोई एक्टर पान मसाला का ऐड नहीं करता तब तक वह सुपरस्टार नहीं बनता। और आप समझ ही गए होंगे कि यह डायलॉग किंग खान के लिए रखा गया है। यही कुछ स्टोरी हमें शॉर्ट टाइम सीरीज के अंदर दिखाया जाता है। बात करें सीरीज की वेब सीरीज की तो वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। पर अभी तक इसके केवल 4 ही एपिसोड अपलोड किए गए हैं। इस सीरीज के 8 एपिसोड आने वाले थे, उनमें से 4 अपलोड किए गए हैं और बाकी के 4 एपिसोड जून के अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएंगे। अब ऐसा क्यों किया है इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर इसी के साथ में शो वेब सीरीज के अंदर 2 एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयिंग है जो शुरुआत में अच्छे लगते हैं, पर उसके बाद 2 एपिसोड आपको थोड़े से बोरिंग लगते हैं क्योंकि उनसे हमारा कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। बाकी अगर आप बॉलीवुड की दुनिया से अवगत है और ये जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कैसे काम चलता है तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर देखना चाहिए। शॉर्ट टाइम सीरीज की कास्ट भी बहुत ही कमाल की है, जहां पर हमें इमरान हाशमी के लीड रोल में देखने को मिलने वाले इन्हीं के साथ में अलावा महिमा मकानवा, मोनी रॉय, नसरुद्दीन शाह, राजीव खंडेवाला, श्रेय सरन, विजय राज जैसे और कई सारे एक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है। और इमरान हाशमी अपने अवतार में वापस आ चुके हैं और उनका रोल शॉर्ट टाइम सीरीज के अंदर वैसा ही है। शॉर्ट टाइम वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है, जहां पर अभी तक इसके 4 एपिसोड रिलीज किए गए। तो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके इसे देख सकता है। ये एंटरटेन तो है और एंटरटेन तो जरूर करती है। अब बात करते हैं कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए ही नहीं। अगर आप ऐसी वेब सीरीज नहीं देख सकते जिसके अंदर गालियाँ हो तो आपको ये सीरीज नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सीरीज के अंदर गाले तो बहुत ही ज़्यादा है। इस सीरीज के अंदर आपको कोई भी इंटीमेट सीन या फिर कोई बहुत ज़्यादा वल्गर कंटेंट नहीं देखने को मिलता, पर गाले बहुत ज़्यादा इस सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सोच समझ कर इस सीरीज को आप देखना। बाकी बॉलीवुड की डार्क रियलिटी को बारे में जानना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि सीरीज हमारे सामने बिल्कुल ही खोल कर रख दिया और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है बॉलीवुड के अंदर कौन कौन कैसा है और यहाँ पर क्या चलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप भी कोई अपडेट मिस ना कर सके। जब तक ले मुझे दे दे इजाजत। बाय बाय।